प्लेस मेक्स पावरफुल पीपल, मजबूत जगह मजबूत लोग बनाते हैं। तो देखेंगे कैसे चलेगा, कितने लोग हमारे साथ है, सब लोग एक हाथ नहीं होगा। मैं ऊपर वाला तथास्तु बोलता है, एक हाथ करोगे 50% मिलेगा, 100% चाहिए तो दोनों हाथ ऊपर चाहिए, दोनों हाथ ऊपर, खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। तो आज का टॉपिक है पावरफुल प्लेस मेक्स पावरफुल पीपल। मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है, पावरफुल होना है, कोई है जो कमजोर रहना चाहता है? नहीं, सबको पावरफुल होना है। तो देखते हैं पावरफुल की एक परिभाषा क्या होती है। 24 घंटा सबको मिला है, कोई है जो 25 घंटा है, 23 घंटा, 20 घंटे वाला कोई है? 24 घंटा है ना, आप आ जाइए, गली जी आप आ जाइए। ये साहब का नाम क्या है आपका? रोशन। रोशन जी की तालियां होनी चाहिए, रोशन कर दिया। नलिनी रेड्डी, वेरी गुड। नलिनी का मीनिंग क्या है? कमल का फूल है, लेकिन रानी का नाम नलिनी है। तो आज हमारे लिए बहुत अच्छे दो लोग मिले हैं। अगर नलिनी मैडम सुबह उठती है, 24 घंटा मिला ना आपको, सबको 24 घंटा है, ओके। नलिनी मैडम सुबह उठती है, रोशन सर भी सुबह उठते हैं, दोनों केमिकल शैम्पू यूज करते हैं, ठीक है? उठने के बाद क्या है, केमिकल शैम्पू, केमिकल टूथपेस्ट, और क्या क्या यूज करते हो 24 घंटे में आप? 24 घंटे में सॉफ्ट, अपना चाय और तेल हुआ बाल में लगाने के लिए, और सब कुछ जो भी दिन में बहुत कुछ यूज करते हैं, क्या नाम अपना याद नहीं है। ओके, तो अगर ये यूज कर रहे हैं, आप भी क्या यूज कर रहे हैं? मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, ऐसा लोनी नहीं, का कुछ नहीं, नहीं? आप डीएक्सएम के पहले क्या करते थे? हाँ, डीएक्सएम के पहले मैं ये सब यूज नहीं करती थी, पर अपना 10 रुपए वाला चाय सोसाइटी, हाँ। वो चाय, फिर नहाने वाला लाइफबॉय साबुन वो देती थी, फिर उसके बाद खाली बटर चाय के साथ चाहिए, वेरी गुड, वो नहीं रहेगा तो चाय में पिया, ऐसा होता था, फिर वो नहीं रहेगा तो रोटी चाहिए, हाँ। उसके बाद फिर खाने में खाना दाल चावल भाजी वो सब चाहिए चाहिए, फिर वापस चाय नाश्ता, फिर वापस खाना, ओके। तो इनका रूटीन ऐसे था कि ये दिन का शुरुआत केमिकल से करती थी, बराबर, रसायन से जो हार्मफुल हो सकता है। आप भी सुबह की दिनचर्या वैसे ही, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, साबुन है, जो भी खान पान जो भी यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? रसायन यूज कर रहे हैं। अगर ये सुबह की शुरुआत ही रसायन से शुरू की और रात 12 बजे तक इन्होंने अगर रसायन से रसायन यूज किया तो इनका एचबी लेवल अच्छा रहेगा, खून की मात्रा? नहीं नहीं। बीपी अच्छा रहेगा? नहीं। शुगर अच्छा रहेगा? नहीं। इनका पूरा हेल्थ शिफ्ट अच्छा रहेगा? नहीं नहीं रहेगा। नहीं। अरे आप तो जीते थे पहले, आप कमजोर थी ना? हाँ, कैसे थी? कमजोर थी। आपका दिनचर्या जो था पहला केमिकल वाला, तो कैसा जीवन था? कमजोर था। तालियां होनी चाहिए इनके लिए। ये जो हेल्थ शीट है इसमें इन्होंने क्या किया है, अपने शरीर को 24 घंटे में ऐसी चीजें दी है जो केमिकल युक्त है। इनको वो जरूरत है, लेकिन उससे जरूरत पूरी हो रही है क्या आपकी? नहीं हो रही थी। इनका हेल्थ शीट कैसे रहेगा, मजबूत रहेगा कि कमजोर रहेगा? कैसे रहेगा? कमजोर। हैबिट्स आपकी सवय है, आप सुबह उठने के बाद चाय पीने का मन होता है, नहाने का मन होता है, किसी किसी को थोड़ा देर से नहाने का, लेकिन नहाने का मन होता है, दिन भर में उनको एनर्जी चाहिए, थोड़ा लिपस्टिक विपस्टिक करके बाहर घूमने का भी मन होता है, दूसरा मुझे देखे तो कैसा देखे, शान से लगे। आपकी हैबिट्स, आपकी सवय, आपकी आदत जो 24 घंटे में आप ले रहे हो, अगर केमिकल ले रहे हो तो आपका हेल्थ शिप कैसे रहेगा? बराबर रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन आपको कैसे रहना है? कॉन्स्टेंट हेल्दी रहना है। कैसे रहना है? अगर बीमार गिर गए तो मजा आएगा क्या? नहीं।
त्योहार है, बीमार गिर गए, त्योहार के पहले या त्योहार के वक्त मजा आएगा नहीं आएगा? आपको क्या चाहिए? आपका हेल्थ शीट बराबर चाहिए। अगर हमने इनको जो इनकी आदतें हैं उन आदतों में थोड़ा बदलाव लाए, चाहते हैं ना हम बदलाव, मजबूत होना चाहते हैं, आप ही कहेंगे स्ट्रांग होना चाहते हो, सब मजबूत होना चाहते हैं, इसमें हमने बदलाव लाया। सुबह की टूथपेस्ट हमने गैनोजी से शुरुआत की, हमारा शैम्पू हमने बदल दिया, हमने सोप बदल दिया, हमारा न्यूट्रिशन हमने बदल दिया, हमारी चाय कॉफी को थोड़ा तरोताजा और थोड़ा क्वांटिटी यानी क्वालिटी से बेहतर कर दिया, आपका हेल्थ शीट अच्छा रहेगा। Yes. इन दोनों का हेल्थ शीट कैसे रहेगा? अच्छा रहेगा इनका हेल्थ शीट। Yes. आपको लगता है ये हेल्थ शीट इनका अच्छा रहेगा? Yes. लेकिन कब रहेगा? जब ये निर्णय लेंगे कि जो केमिकल आज तक मैंने शरीर में डाला है तो उसको निकालने के लिए टाइम लगेगा, अच्छी चीज बनने के लिए टाइम लेता है, क्योंकि अच्छी संगत में रहोगे तो एक साल तो आपको चाहिए अच्छा बनने के लिए, बुरा बनने के लिए तो टाइम की जरूरत नहीं होती, कभी भी हो सकते हो। इन्होंने आज तक तो जो भी रसायन शरीर में डाला है तो उनको बाहर निकाल के मजबूत शरीर पाने के लिए इन्होंने अगर अपने हैबिट्स अपनी आदतें बदली, अपना क्वालिटी प्रोडक्ट्स ले लिया, आपको लगता है इनका कॉन्स्टेंट हेल्थ शीट अच्छा रहेगा? Yes. चाहते हो आप ऐसे? Yes. कौन सा शीट अच्छा रहे? हेल्थ शीट। आपका जो हेल्थ है वो कैसे रहना चाहिए? मजबूत रहना चाहिए। आज तक हमने केमिकल यूज किया लेकिन इसके बाद का निर्णय कौन करेगा? हम खुद करेंगे? खुद के मैं करूंगी? किसी सिंह सर करेंगे? नहीं, नहीं, कौन करेगा? मैडम करेंगी। रोशन सर कौन करेंगे? खुद करेंगे। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। दोनों भी डीएक्सएल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और आज के पहले का जीवन और आज का जीवन मजबूत जीवन जी रहे हैं। बहुत तालियों के साथ प्लीज। हेल्थ शीट बहुत मैटर करता है कि आपका जीवन कैसा है। आज सिंह साहब भी यहाँ आ रहे हैं तो हेल्थ शीट आपका मजबूत है, इस वजह से वो बिंदास आ रहे हैं जा रहे हैं। आप जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इमेजिन करो अगर आपका हेल्थ शीट थोड़ा सा डगमगाया होता तो कहाँ होते? यहाँ होते अस्पताल या तो किसी के हाथ में खेलते रहते थे, बराबर है? तो हेल्थ शीट बहुत मैटर करता है। एक बच्चा है सर, चलो वो मैडम क्या लिखा है? मार्कशीट पढ़ाई की है। सब लोग स्कूल गए हैं? कोई ऐसा बंदा है जो स्कूल नहीं गया है? यहाँ पे नहीं खड़ी होके उसको सिखा दूं? कोई बंदा है यहाँ पे? नहीं है? सब स्कूल जाके आए, शायद कॉलेज नहीं गए होंगे, शायद प्रोफेशनल नहीं बने होंगे, शायद कुछ पढ़ाई छूट गई होगी, शायद कुछ पढ़ना बच गया होगा, लेकिन कुछ तो सीखे। संस्कार तो माने दिए ही होंगे, ऐसा कोई नहीं घर है जो संस्कार नहीं मिले। आपको संस्कार शिक्षण तो मिलता ही रहता है। आपका मार्कशीट बहुत मैटर करता है क्योंकि उसके ऊपर आपको सम्मान मिलता है। अगर आपके पास संस्कार और शिक्षण बराबर से है, सामने वाले को अच्छे से पता चलता है इसका व्यवहार कैसे। मैं इन दोनों को पूछना चाहती हूं, अगर आपका मार्कशीट बराबर नहीं है आपको सम्मान मिलेगा क्या? मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आपका मार्कशीट नहीं मिलेगा? अगर आपका मार्कशीट बराबर है तो सम्मान मिलेगा? मिलेगा। अगर आज आप 50,000 कमा रहे हो और आपने अच्छा सा एजुकेशन लेके 1,00,000 का आपका मार्कशीट का जो आपका प्रोफेशन है वो बढ़ा दिया, सम्मान मिलेगा? मिलेगा। आपका 1,00,000 रुपए का इनकम है और आपने अच्छे से पढ़ाई और की, जो की है उसमें 1,00,000 कमा रहे हो लेकिन और पढ़ाई की और 1,50,000 का इनकम दिया, तो सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। मार्कशीट बहुत मैटर करता है। आप आज तक क्या पढ़े हो, ये कॉन्स्टेंट लर्निंग बहुत मैटर करता है। वो माहौल में आना बहुत मैटर करता है। आज जितने भी लोग बैठे आप आए हो सीखने के लिए आए हो, अपडेट करने के लिए आए हो, खुद को अच्छा बनाने के लिए आए हो, कुछ अच्छा समझने के लिए, कुछ अच्छा समझाने के लिए, मतलब जो मैं पढ़ूंगी तो मैं दूसरे को दे पाऊंगी, वो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपका मार्कशीट बहुत मैटर करता है।
आजकल जब आप बाहर जाओगे तो पहले पूछते हैं आपने क्या पढ़ाई की, पूछते हैं। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, अगर स्कूल की पढ़ाई की तो उस हिसाब से आपका पैसा आएगा, कॉलेज की पढ़ाई की तो उस हिसाब से पैसा आएगा, डॉक्टर इंजीनियर बने तो उस हिसाब से पैसा आएगा, अगर बिजनेस का स्टडी किया तो उस हिसाब से पैसा आएगा, एक प्रोफेशनल के हिसाब से उन्होंने पढ़ाई की तो उस हिसाब से पैसा आएगा, शेयर मार्केट में पढ़ाई की तो पैसा डबल ट्रिपल करते रहोगे, लेकिन पढ़ाई ही नहीं की सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा? एक ही पढ़ाई करके बैठ गए सम्मान मिलेगा नहीं? हमको कॉन्स्टेंटली अपनी मार्कशीट क्या करनी है, बढ़ानी है, अच्छे से माहौल में आना है, अच्छी सी चीज हमको सीखनी बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज वन विच मेक्स यू अर्न, आपका जो लर्निंग है वही आपका अर्निंग रहेगा। थैंक यू सो मच, इनके लिए तालियां होनी चाहिए। आपका नाम? सॉरी, शकुंतला। वेरी गुड। आपका? अशोक कुमार। और शकुंतला जी के लिए तालियां होनी चाहिए। तो हमने एक देखा कि आपका हेल्थशीट बहुत मैटर करता है और आपका मार्कशीट भी बहुत मैटर करता है। एक ही चीज पढ़ के आप आसानी से जिंदगी नहीं जी सकते, आपको रिपीटेडली सीखना पड़ता है। अगर खुद को अपडेट और अपग्रेड करते रहोगे तो घर वाले भी आपको सम्मान देंगे, बाहर वाला तो छोड़ दो, घर वाला भी सम्मान नहीं देता। घर में अगर 5-6 बच्चे हैं, एक बच्चा अच्छे से पढ़ा और पढ़ते रहा, आगे बढ़ते रहा, तो माँ बाप भी उस बच्चे को ज्यादा सम्मान देते। फैक्ट है, एक्सेप्ट है, अलग कुछ चीज नहीं है। माता और पिता भी घर में उसी बच्चे को देखते हैं जो अच्छा संस्कार, अच्छा शिक्षण और अच्छा बढ़ोतरी कर रहा है। सो कॉन्स्टेंट एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, वो माहौल में आना बहुत जरूरी है एक व्यक्तिमत्व के लिए। बैलेंस शीट, कितने बिजनेसमैन बैठे हैं यहाँ पे? कोई है जो बिजनेसमैन है, मतलब अपना बिजनेस चला रहा है? अच्छा, मुझे पता है वेयर हाउस है। अच्छा अच्छा, चलो, कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ खेलने के लिए आना है। अच्छा, और कोई है जो बैलेंस शीट वाला आदमी चाहिए? यू एक्सक्यूज, आपका बिजनेस है? कोई है बैलेंस शीट वाला बिजनेसमैन? बिजनेसमैन कोई जो बैलेंस शीट लगाते नहीं? आप ही आ जाओ, छोड़ कर देना। हाँ, वो लक्ष्मी के बिना नारायण कुछ नहीं करते, और लक्ष्मी के लिए ही नारायण सब कुछ करते हैं। आप आ जाओ। हाँ जी, क्या करते हो? सिलाई का काम करते हो, तो आ जाओ, बिजनेस में व्यापारी हो। अरे बैलेंस शीट नहीं भरते हो लेकिन हिसाब तो रखते हो ना घर पे, कितने सिलाई किए, कितने काटे बुने, पैसे आते है रहते हैं ना। बैलेंस शीट यानी व्यापार, एक तो दिमाग में डाल दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी आ रहा है, जो भी कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो उसका हिसाब रखना। व्यापार जिसका हिसाब रखा जाता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, उसकी बढ़ोतरी अच्छे से होती है। मैं पूछना चाहती हूँ साहब, आपका नाम क्या है? अब्दुल मन्नान। अब्दुल मन्नान के लिए तालियां होनी चाहिए। और मैडम का नाम? सीमा गुप्ता। सीमा गुप्ता जी मैडम के लिए भी तालियां होनी चाहिए। दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ, बैलेंस शीट मतलब पैसा, ओके आपने जितना लगाया है उतने से ज्यादा आप वापस चाहते हो, बराबर है? अगर नहीं आया क्या आपका धंधा चलेगा? क्या आप पैसे कमाने के लिए आए हो, वो पैसा लगाते हो, कि गवाने के लिए आए? नहीं, कमाने के लिए आए, कमाने के लिए आए। तो साहब पैसे कमाने के लिए आए, जो पैसा लगाया है, जो सिलाई का आज उन्होंने दुकान डाला है, जो भी है, मतलब कस्टमर के पास से वो कपड़ा लेते हैं, सिलाई करते हैं, वापस देते हैं, तो उस वक्त वो क्या करते हैं? कमाई के हिसाब से करते हैं। मैडम का तो वेयर हाउस है और जो भी उनका बिजनेस है, अब जो भी इंफ्रा डाले हो, मतलब पैसा डाले हो, उसके नीचे का पैसा चाहिए कि ऊपर का पैसा चाहिए? ऊपर का चाहिए। ऊपर का चाहिए,
बैलेंस शीट बढ़ता रहना चाहिए कि नीचे बढ़ता रहना चाहिए। लक्ष्मी कह रही है बढ़ता रहना चाहिए, तो तालियां भी चाहिए मैडम। ये कॉन्स्टेंट अर्निंग बहुत जरूरी। अगर साल भर में आपने 3 महीना कमाया और 9 महीना नहीं कमाया चलेगा? नहीं, 1 महीने में नहीं आया ठीक है, लेकिन 9 महीने में 3 महीना नहीं कमाया, 9 महीना नहीं कमाया चलेगा? कॉन्स्टेंट पैसा आना चाहिए। आपके पास भी अगर भाड़ा है या तो आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें से पैसा अगर 2-3 बार ही आया और बाद में नहीं आया चलेगा? नहीं चलेगा। तो कब चलेगा वो? रोज आना चाहिए, कॉन्स्टेंट आना चाहिए। पैसा कैसे आना चाहिए, अर्निंग कैसे चाहिए? कॉन्स्टेंट। और वो कॉन्स्टेंट भी कैसे? आज 10 रुपए में जो मिल रहा है शायद कल जाके 100 रुपए में मिलेगा। तो आज का 50 रुपए का इनकम चलेगा? नहीं चलेगा। आपका इनकम उस वक्त 1000 रुपया होना चाहिए। तो बैलेंस शीट मैटर्स अलॉट। आपको कॉन्स्टेंट इधर आपका पैसा आना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि कोविड में सब लोग कोविड से बाहर निकले? कोविड में जाके सब लोग बाहर निकले। कोविड में बहुत सारे बिजनेस ढप हो गए, बराबर है? लेकिन सिलाई का भी आपका भी थोड़ा सा नीचे बंद था, बंद था ठीक है। बहुत सारे बिजनेस अगर उस वक्त एक ही इनकम पे, एक उत्पन्न पे है, आमदनी पे है, तो कोविड में बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। कोविड में बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे? नहीं। अगर आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, कॉन्स्टेंट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप समझ में आ रहा है? कम से कम 1, 2, 3, 4, 5 सोर्स ऑफ इनकम है, आमदनी आ रही है, अर्निंग आ रही है, आप बच पाओगे? यस। कोविड से बच पाओगे? प्रॉब्लम से बच पाओगे? अगर इनकी सिलाई की दुकान है उसके साथ एक रेडीमेड का भी दुकान है या तो रॉ मटेरियल का भी दुकान है, मजा आएगा? तो अर्निंग में 3-3 जगह से आपका पैसा आएगा, मजा आएगा कि एक ही जगह से आएगा तो मजा आएगा? खुश हो गया देखे, चेहरा खिल गया, खिल गया ना। हमको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जगह से हमारे पास पैसे आए। आपको मल्टीपल सोर्स चाहिए कि एक ही सोर्स ऑफ इनकम चाहिए? कितना चाहिए? बहुत ज्यादा। तालियां होनी चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहे, एक ही सोर्स में मजा नहीं आएगा। आपका बैलेंस शीट कैसे चाहिए? हिलता जुलता चाहिए। मतलब आज 10,000 है, कल 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, वो कैसे होना चाहिए? बढ़ते जाना चाहिए। दोनों के लिए तालियां होनी चाहिए। तो कॉन्स्टेंट अर्निंग और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बहुत जरूरी है। ये मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में ऐसे भी हो सकता है कि आप भाड़े से घर दिए हैं, दुकान दिए हैं, वेयर हाउस है मैडम का तो दिए है, या तो कहीं पे आप जॉब कर रहे हो, शाम पे कुछ थैले पे कुछ बेच रहे हो, या तो कुछ रेडीमेड कपड़ा बेच रहे हो, जो भी है आपके घर में, आपके परिवार में आपका इनकम कैसे है? बहुत सारे सोर्सेस से है। मतलब बड़ा लड़का 50,000 कमा रहा है, छोटा और 40,000, पूरा परिवार कमा रहा है, पूरे परिवार में पैसा आता ही रहा है। इसको कॉन्स्टेंट क्या बोलते हैं? अर्निंग। मतलब आपका बैलेंस शीट बढ़ता ही जाएगा। एक घर में सिर्फ 1 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन एक हाथ घर में 50,000 के 10 लोग हैं, इसका पैसा ज्यादा रहेगा, 50-10 वाले। तो जो मल्टीपल सोर्स, ढक्कन खोल दो, एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे मत बैठो। कब जाएगा सिलाई का? आपने कोविड में फेस किया ही होगा हालत जो हुई होगी। तो हमको क्या चाहिए? मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। जो डीएक्सएन वाले लोग थे उस वक्त, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर लिम सियोजिन, उस वक्त जब धंधे बंद हो रहे थे, बिजनेसेस बंद हो रहे थे, बहुत सारे जॉब्स जा रहे थे, और हमारा वाउचर, हमारा बोनस आज उसके ऊपर के ऊपर जा रहा था, हम सेवा दे पा रहे थे और मेवा भी हमारा बढ़ता जा रहा था। हमारा
बैलेंस शीट हमारा हेल्थ का बैलेंस शीट भी बढ़ रहा था, ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, हमारा एजुकेशन हमारा मार्कशीट भी उस वक्त बढ़ रहा था और हमारा बैलेंस शीट भी उस वक्त बढ़ रहा था। बहुत मैटर करता है कि आपका कॉन्स्टेंट अर्निंग कितना है, ये बहुत अलग चीज है, लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते। लाइफस्टाइल, जीवन शैली, कैसे जीते हो। बहुत सारे अमीर लोग आपको आईसीयू में पड़े हुए भी मिलेंगे, शायद उनके पास करोड़ों का पैसा रहेगा लेकिन उनको बचाने के लिए डॉक्टर या तो वो पूरा हॉस्पिटल भी कहीं पे लड़खड़ा गया होगा, क्योंकि अगर अंदर ही नहीं है तो बाहर से लेके कुछ फायदा नहीं होगा। एक लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है, एक रूटीन बहुत मैटर करता है, सीखने का जज्बा बहुत मैटर करता है, हर वक्त पैसा कमाने का जज्बा बहुत मैटर करता है और ये लाइफस्टाइल आपको एक मजबूत आदमी बनाने के लिए काम करती है। लेकिन कैसे होगा, एक स्ट्रिक्ट डेली रूटीन, 5 बजे उठना है 5 बजे ही उठना है, 6 बजे उठना है 6 बजे ही उठना है, एक स्ट्रिक्ट रूटीन लाइफ। हम बोलते हैं अरे क्या बोरिंग लाइफ है, रूटीन लाइफ है, जिसका लाइफ स्ट्रिक्ट रूटीन लाइफ है ना, फोकस लाइफ है, कर्मठ लाइफ है ना, वो आदमी अच्छे से जीता है, हिलता नहीं है, कितनी भी बाधाएं आ जाए वो आसानी से वहां से निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे करना है और इससे मुझे राहत मिलेगी, आहत मिलेगी, आसान रहेगा। तो आपका लाइफ जितना स्ट्रिक्ट रूटीन लाइफ रहेगा उतना वो स्ट्रेसलेस रहेगा, मतलब आरामदायक, कंफर्टेबल, जो भी करना है मैं उससे अच्छे से करूंगा। सुबह 5 बजे कितने लोग उठते हैं, नंबर भी डालना पड़ेगा, मुझे लगा ही इधर गुरुजी बैठे हैं तो वो उठते होंगे, खड़े रहेंगे प्लीज जो 5 बजे उठते हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, हमको घूमना चाहिए। क्यों उठने वालों में 5 बजे, क्योंकि इनको है ना पूरा दिन चाहिए काम करने के लिए, ताकि ये बहुत आगे बढ़ना चाहते। जब आप 5-6 बजे सुबह उठते हो ना तो आपको एक बड़ा दिन मिल जाता है हाथ में, मिलता है, ऐसे लार्ज ह्यूज डे यू गेट इन हैंड, उसका जो भी करना है आप कर सकते हो, खेलने के लिए जाओ, घूमने के लिए जाओ, अच्छा सा खाओ, अच्छा सा खाना बनाओ, कुछ भी कर सकते हो सुबह उठ के, कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त कहता है कि सुबह उठ के जो भी खेलना है, खुद के साथ, परिवार के साथ, समाज के लिए जो भी करना है आप अच्छे से कर सकते हो। ये स्ट्रिक्ट रूटीन जो है ना ये आपको बहुत मजबूत बनाता है, और इतना मजबूत बनाता है ना कि कभी गलत टाइम आ भी जाए, ऐसा नहीं कि टाइम गलत नहीं है, मलाई की तरह वो निकल के बाहर निकल जा सकते। ये स्ट्रेसफुल लाइफ में कभी नहीं रहते जो सुबह उठते, कभी भी नहीं रहते, वो आसानी से पूरे दिन का फायदा उठाते हैं। कितने लोग डू कर दू, कितने लोग रात को टाइम पे सोते, एक पर्टिकुलर टाइम 10 या 10, थोड़ा 10:30 हो जाएगा ठीक है, टाइम पे वेरी गुड, मुंबई है तो 11 तो बचना ही है, होना इनके लिए तालियां होनी चाहिए। इसका मतलब आपने आपका पूरा दिन अच्छे से यूज किया है, इसका यूटिलिटी वापर किया है और एक सुकून की नींद टाइम पे ये सोते हैं। कितने लोग अपना डाइट बराबर से लेते हैं, गाय ने अपना चारा नहीं बदला है ना, वो क्या मिलता है कोंबड़ी ने पण जिसे दाने खाए इसमें ही सोट लेती, वड़ा पाव खायला कभी जात नाही, कभी देखिए कोंबड़ी को उधर बड़ा बनाने में ये देखा है ना, जिसका खाना है ना उसके लिए ही है, कभी मजे के हिसाब से कभी अलग चीज खा लो, लेकिन जो आपको मजबूती देता है वो डाइट लेना बहुत जरूरी है। कितने लोग हैं जो चपाती खाते, चपाती खाते कितने लोग हैं जो ज्वारी की भाकरी खाते, ज्वारी की भाकरी खाते कभी कभार, खा लेते बाजरे का रोटला,
तलवार उठाने के लिए चपाती काम आएगी। जो पहले राजा महाराजा तलवार उठाते थे, चपाती खाते थे क्या? बकरी खाते थे, शुवार होता था, बाजरी होती थी, नाचनी होती थी, सत्तू होता था, तो मोटा अनाज जो ताकत देने वाला, क्योंकि उनका काम उस वक्त कैसा था, बहुत ताकतवर चाहिए था, तो उनका स्ट्रिक्ट डाइट हुआ करता था। वो ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी पत्ती की सब्जी, उनकी भाकरी और जितना भी क्वालिटी फूड, अच्छे से अच्छा खाना वो शरीर को देते थे। आज ऐसे हो रहा है क्या? कभी कभार ठीक है, हमारे यहाँ त्योहार होते थे तो हम तला हुआ मिठाई वाला शुरुआत ही मिठाई से कर देते थे, बराबर है ना? और कंपटीशन लगती थी ना, मोदक तुम्हें कितनी खड़ा, आप कितनी सेवैया खाओगे, हम कितने लड्डू, गोपाल कितने लड्डू खाओगे, कंपटीशन होती थी। आज हिम्मत होती है क्या? एक लड्डू देखा तो डर जाते, अरे इसको खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, इसको खाएंगे तो मेरा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। ये डाइट का सीन हो गया, लेकिन यही डाइट को सुधारना बहुत जरूरी है। और ये लाइफस्टाइल जो हमने आज ली है, वो लाइफस्टाइल हमको थोड़ी बदलनी पड़ेगी। सुबह टाइम पे उठना है, स्ट्रिक्ट रूटीन करना है, रात को टाइम पे सोना है, और आपका डाइट भी कैसे होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ईटिंग टाइम किसका टाइम, टाइम पे खाने करते हो, किसका मोबाइल शुल्क है मेरा? अच्छा, कौन है जो टाइम पे खाना खाता है, 7 या 7 बजे शाम को, 24 10:30 बजे एनर्जी गुल हो गई था। वो सूर्य क्यों आता है घर में? वो एनर्जी देने के लिए आता है। जब तक वो एनर्जी दे रहा है तब तक आप खाओगे, आपका काम ज्यादा वो करेगा, ज्यादा काम आपका वो करेगा, नहीं तो आपको आपका पचाने का काम करना पड़ेगा। कभी चिड़िया को 7 बजे के बाद खाते हुए देखा है? गायों को मुंह बंद करके बैठ जाती है, क्योंकि उनको पता है उस वक्त अगर वो खाएंगे तो वो पचाने का आसान नहीं है। लेकिन हमारा दिन ही कब शुरू हो जाता है मुंबई वालों का? 7 बजे तो भेल वाला खुल जाता है, वड़ा पाव वाला, समोसा वाला, पिज्जा वाला बुलाता है, आजा 10 रुपए में देता हूं 100 का, एक एक के ऊपर फ्री, कुछ नहीं फ्री होता है, यू पे नाउ और यू पे लेटर, यू गॉट टू पे फॉर इट, आपको उसका पेमेंट करना ही है। इसलिए जितना हो सके आपको 7 के पहले, सूर्यास्त के पहले अगर आप खाते हो, आपकी लाइफस्टाइल बराबर से रखते हो, तो आप अच्छे से जी सकते हो। जी सकते हो? यस। मैं कुछ अलग बोल रही हूँ? नहीं बोल रही हूँ। जो भी आपको फूड लेना है, सुपर फूड लेना है, ये भी फूड लेना है, तो आपको 7 के पहले लेना है, ताकि जब आप रात को सोने को जाओ तो सुकून की नींद आप ले पाओ, और ये प्रॉपर से न्यूट्रिशन आपके शरीर को मिलता रहे। मैंने एक मीटिंग ली थी आदिवासी पाड़ा में, और उस वक्त 250 महिलाएं थी, और 250 के ऊपर थी, तो उनको मैंने पूछा तुम्हें कहीं व्यायाम करता था और सूर्य नमस्कार करते हो क्या? 250 में एक औरत खड़ी हुई सूर्य नमस्कार, बाकी कोई सूर्य नमस्कार के लिए तो औरतें खड़ी होना तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, लेकिन जो खड़ी हुई तो उसको पूछा आप कभी बीमार गिरते हो क्या? तो बोली तुझे सर किस कोण तेरी बाई आली आणि तिने सांगितलं व्यायाम करत जा आणि सूर्य नमस्कार दाखवला, और तब से मेरा डॉक्टर बंद है और मैं सेहतमंद हूं। इम्पोर्टेंस समझते हो आप एक्सरसाइज का? yes. शिवाजी पार्क में लोग मिलते हैं, नया कोई चेहरा दिखा तो समझ में आता है ये और मैं पूछते हैं, टैग लगा होगा, डॉक्टर ने बोला होगा पढ़ाया जा बरा, तुझे कोलेस्ट्रॉल बढ़ लिया, तुझे बीपी बढ़ लिया, आपका शुगर बढ़ गया होगा, डायबिटीज बढ़ गया होगा, वजन कम करना जरूरी है, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। नए नए बच्चे ऐसे नए नए फूल खिलते रहते, 15 दिन में घर में कॉन्स्टेंट आपका वॉकिंग, आपका एक्सरसाइज मैटर करता है, क्योंकि अगर वीक में 3 बार एक्सरसाइज नहीं करोगे, अच्छे से वॉक नहीं लोगे, व्यायाम नहीं करोगे, अच्छे शरीर को
आप आचार विचार में नहीं डालोगे, आपको किधर जाना पड़ेगा, आपको पता है किधर जाना। फिर वो बोलेगा नहीं आपको वॉक पे जाना पड़ेगा, खाना खाने के बाद वॉक पे चले जाओ या तो सुबह उठ के वॉक पे चले जाओ। क्या करना पसंद करोगे? उनका टैग लगने के बाद के टैग के पहले वॉक पे जाना। शरीर आपका संघर्ष के लिए बना है, आपका शरीर घर में बैठने के लिए नहीं बना है। ऊपर वाले ने आपको इतना मजबूत करके भेजा है कि कोई भी संघर्ष में आप खुद को डाल दो, आप वो कर सकते हो। लेकिन किधर होना चाहिए? इधर होना चाहिए, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बन सकता है? नहीं। अगर आप डिसाइड ही नहीं करते, आप सिलाई का धंधा खोल सकते थे? जब आपने डिसाइड निर्णय किया तभी सिलाई का धंधा खोल सके, नहीं तो नहीं खोल सकते थे। खोलना आसान था क्या? कितने कॉम्पिटिटर है? आप छोड़ दिए तो 10 खड़े हैं। उसमें सर्वाइव करना आप पे निर्भर है। खुद को कितना मजबूत बनाते हो, खुद को कितना उसमें ढाल देते हो, उस पे आपका पूरा जीवन और परिवार का जीवन अवलंबित है। एक्सरसाइज, कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? मैं खड़े रहने की विनती करूंगी। वॉक पे जाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, योगा करते हैं, जिम में जाते हैं, जिम को देख के भी आते, पूछ के आते कितना है, थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा ना तो मैं चला जाऊंगा। ऐसे भी है, 1000 का 300 होगा ना तब मैं जिम ज्वाइन करूंगा, नहीं तो वो एरोबिक जुम्बा डांसिंग कुछ तो हिलना डुलने में निकल जाते हैं। एक्सरसाइज के लिए तालियां होनी चाहिए। मैं तालियां इसके लिए बोल रही हूं क्योंकि ये खुद को मजबूत रखते हैं। अगर ये मजबूत रखते हैं तो हमारे मेडिकल, हमारे नेशन पे भी प्रेशर कम रहेगा। आपको लगता है हॉस्पिटल में 10 लोग जाए या 1000 लोग जाए? अभी एक इंसिडेंस हुआ बैंगलोर में, कर्नाटक में इंसिडेंस हुआ, 1,00,000 लोगों को क्या हो गया था? डेंगू हो गया था। हालत बेकार, जवान तरुण तरुण बच्चे लोग आ रहे थे और प्लेटलेट्स डाउन हो रही थी। किसको बचाएगा वो डॉक्टर? कोरोना में भी हमने हालत देखी है लोगों की, किसको बचाएगा, किसको किसको पूरा पड़ेगा? अगर आपकी एक्सरसाइज, डाइट, ईटिंग टाइम, स्लीपिंग, आपका लाइफस्टाइल बराबर है, डॉक्टर आपके शरीर पे काम करेगा। मैं पूछना चाहती हूँ ये बराबर नहीं है, डॉक्टर आपके शरीर पे काम करेगा क्या? कर सकता है? नहीं कर पाएगा। बहुत सारे लोग करोड़ों का रुपया लेके और छोड़ के चले गए कोविड टाइम में, आज भी बहुत सारे ऐसे ही चीजें हो रही है। आपका लाइफस्टाइल मैटर करता है, सुबह से शाम तक आप क्या करते हो बहुत मैटर करता है। पॉजिटिव थिंकिंग, अगर अच्छे माहौल में हो तो अच्छा जीवन जी पाओगे, लेकिन अच्छे माहौल में नहीं हो क्या आप अच्छा जीवन जी पाओगे? एक नेगेटिव वातावरण है जो आपके लिए अच्छा काम नहीं कर रहा है, क्या आप उधर अच्छे से जी पाओगे? नहीं। कोई आपको बोल रहा है अरे तू नहीं कर सकता, आप पे ताकत है लेकिन जो बोल रहा है कि आप नहीं कर सकते, आप कर पाओगे? नहीं। उस वक्त क्या कर लेना है? कान बंद कर देने, बहरा हो जाना है, क्योंकि मेरा फोकस कैसे होता है वैसे ही होना चाहिए। कितने लोगों को लव मैरिज हुआ है? कोई नहीं हाथ उठा रहा, मैं हाथ उठा रही हूँ, वही जो बोल रहा हूँ उठाएगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं है जो प्यार में गिरा नहीं होगा। कान नाक मुंह सब बंद हो जाता है, कुछ सुनाई नहीं देता है। उस वक्त मोटिवेशन की जरूरत होती है क्या? मोटिवेशन, मोटिवेशन चाहिए? माँ बाप मोटिवेट करते हैं, जा बच्चा अच्छी सी बहू लेके आ, जा बच्चा अच्छा से जमाई लेके आ, कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है। टोटल फोकस रहता है ये बच्ची अच्छी लगती है मुझे, इससे प्यार हो गया है और इसको मुझे ब्याहना है, ये लड़का अच्छा लगा है मुझे, शादी करनी है तो मैंने कर ली। वहां पे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो प्यार हो सकता है, आपका व्यापार हो सकता है, आपकी बीवी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, आपका एजुकेशन हो सकता है, आपको कोई भी चीज हो सकता है। अगर कुछ गहना लेना है इसको, अगर मंगलसूत्र बदलना है तो उसका फोकस रहेगा, मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। बराबर से 1000-1000 रुपया महीने का बाजू में
और डायमंड का मंगलसूत्र आ जाएगा, फोकस रहेगा, फोकस हिलेगा कि इधर उधर। आपको अगर शूज लेने हैं 2000 के, बराबर से 2000 के शूज आ जाएंगे, मम्मी ने ना बोला है, पापा ने ना बोला है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो 2000 के शूज मेरे पैर में आएंगे ही आएंगे। ये मोटिवेशन, ये पॉजिटिव एटीट्यूड कहां से आता है? ये आपके फोकस से आता है। जितना फोकस होगे, जितना कर्मठ होगे, जितना उसको फोकस करोगे, वो चीज आपके हाथ में आ जाएगी। आ जाएगी? यस। खुद के लिए तालियां होनी चाहिए। संडे के बावजूद, आज त्योहार होने के बावजूद भी आप यहाँ पे हो, इसका मतलब आप आपके लिए फोकस हो, आपके लिए फोकस हो, कुछ अच्छा सीखने के लिए, समझने के लिए आप आए हो। सो पॉजिटिव थिंकिंग इज मैटर्स अ लॉट। जो प्यार दुलार माँ बाप देते हैं आपको बढ़ने के लिए, गुरु देते हैं, शायद कोई आपको नहीं देगा। लेकिन यस, डीएसएन प्लेटफॉर्म भी ऐसा है कि यहाँ पे मेरे डाउनलाइन से या अपलाइन से आप हो, मेरे नेटवर्क से हो, मेरे नेटवर्क से हो, मेरे नेटवर्क से हो, मेरे नेटवर्क से कोई है, मेरे नेटवर्क से बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क से है, फिर भी यहाँ पे संडे को मीटिंग होती है एक पॉजिटिव माहौल बनने के लिए। तो उन सब लीडर्स के लिए तालियां होनी चाहिए। आपका एक लाइफस्टाइल बढ़े, इसके लिए वो काम करते हैं। बहुत जरूरी है संगत। अगर गलत संगत में पड़ गए तो सोने का लोहा होने में टाइम नहीं लगेगा। मालूम है ना, 24 कैरेट में भी जब पीतल डाल देते हैं तो उसका कैरेट क्या हो जाता है? नीचे आता है। उसकी कीमत क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बहुत बारकाई से अपनी संगत लेना, किसके साथ बैठते हो, खाते हो, उठते हो, आप अनजाने में उस चीज को उठा लेते हो। अगर कोई फेंक के जी रहा है ना, उसके साथ 3 महीने भी बैठे ना, बाद में वो फेंकना आप भी शुरू कर लोगे। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति है, एक प्रामाणिक व्यक्ति है, साल भर उस व्यक्ति के साथ संगत में रहे ना, वो 10वां आदमी आप रहोगे, अच्छा आदमी आप पाओगे। आपकी संगत आपको बहुत अच्छे से चूज करनी है। जब डीएक्सएन में हम आते हैं तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे संगत में एक अच्छा परिवार, एक अच्छी कम्युनिटी बढ़े, और ये एसोसिएशन ही आपको बनाती है। किस चीज के साथ आप एसोसिएट हुए? कोयले के साथ अगर हाथ लगाए भी नहीं ना, वहां से बाहर निकले ना, थोड़ा कुछ तो काला छोड़ के ही जाएगा, वो आपको ऐसे ही छोड़ेगा नहीं। अगर वो जलेगा तो आपको दहा देके जाएगा। इसके लिए संगत बहुत मैटर करती, एसोसिएशन मैटर्स अलॉट। किसके साथ खाते पीते उठते बैठते हो वो बहुत मैटर करता है। स्ट्रांग पर्सनालिटी, आज का सेशन ही ऐसे है कि हमको क्या करना है, खुद को पावरफुल बनाना है, हमको खुद को मजबूत बनाना है। एक व्यक्ति को स्ट्रांग पर्सनालिटी के लिए क्या चाहिए? हमने बोला है आपका हेल्थ शीट, आपका मार्कशीट, आपका बैलेंस शीट, जो तीनों शीट्स है, आपके जो पेपर्स है, कागज है, वो कैसे होने चाहिए? कॉन्स्टेंटली अपडेट होने चाहिए, अपग्रेड होने चाहिए, एंटी एजिंग होना चाहिए, आपका एजुकेशन बढ़ना चाहिए, आपका बैलेंस भी बढ़ते रहना चाहिए। ये पर्सनैलिटी बताती है कि आप क्या हो। इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये पर्सनैलिटी बताती है कि आपने उस 24 घंटे में खुद के लिए क्या किया। कोई खड़ा रहता तो तालियां बजती है, कोई खड़ा रहता तो सलाम ठोका जाता है, कोई खड़ा रहता है तो उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऐसे पर्सनैलिटी हमने देखे। गुरु मिलते हैं तो हम झुक जाते हैं, कोई अच्छा हीरो हीरोइन मिलता है तो हम उसको ताकते रहते हैं, ये क्या करता होगा, मैं भी कर लूं, ताकते रहते हैं। कोई अच्छा सा कपड़ा पहना तो हम स्ट्रांग पर्सनालिटी। आपका व्यक्तिमत्व ऐसे होना चाहिए कि वो दूर से भी देखे तो आपके पास अट्रैक्ट होना चाहिए। आप किधर भी हो, आप व्यवसाय में हो, नौकरी में हो, आप एक शिष्य स्टूडेंट हो,
कुछ भी चीज में हो आपकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। याद रखना कमजोर आदमी को हमेशा दबाया जाता है। मैं पैर से बोल रही हूं, दबाया जाता है। स्ट्रांग रहेगा ना तो दबाने की हिम्मत नहीं होगी। इसलिए जो भी है, हेल्थ से है, वेल्थ से है, पर्सनालिटी से है, आपको क्या करना है, स्ट्रांग बनना है। आपको अच्छा लगेगा ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ में है जो गफला करता है, जो बुरी आदत में है, अच्छा लगेगा? जो कभी अपनी जबान पे नहीं रहता, जबान मुकर जाता है, ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे? कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करोगे जो प्रामाणिक है, जो ऑनेस्ट है, जो अपने वाणी से जो भी निकलता है उस पे कायम रहता है, अपना आचार विचार जो अच्छा रहता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको रहना अच्छा लगेगा। आप उधर डेवलपमेंट भी अच्छी करोगे, विकास अच्छा करोगे। जो एक आपका पर्सनालिटी है तो उसको भी आप अच्छे से अपग्रेड करते रहोगे। एक डिटर्मिनेशन, एक फोकस, उसी व्यक्ति के साथ रहना जो विकास के बारे में बात करता है, जो डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, जो बढ़ोतरी के बारे में बात करता है, जो कुछ अच्छा हो उसके लिए काम करता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, पर्सनल डेवलपमेंट, जब बच्चा जन्म लेता है तो मां चाहती है कि वो अच्छा जीवन जिए, अच्छा आगे बढ़े, अच्छा उसका शरीर बने, बुद्धि बने, और वो अच्छा एक व्यक्ति, एक नागरिक होके। तो आपका संघर्ष, जो व्यक्तित्व संघर्ष है, एक पर्सनल संघर्ष है, वो ही आपका पर्सनल डेवलपमेंट है। जब फैमिली में से अलग अलग लोग एक अच्छी परिवार बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, डेवलपमेंट बनाते हैं, तो वो फैमिली अच्छी लगती है। उस खानदान से बच्ची बहू के हिसाब से हम लाते हैं, उस खानदान से बच्चा हम जमाई के हिसाब से लाते हैं, उस खानदान से बच्चा हम अच्छे रिलेटिव्स के हिसाब से देते हैं, दोस्त बनाते हैं अच्छे फैमिली से, क्योंकि ये डेवलपमेंट, उनके संस्कार, शिक्षण और उनकी आमदनी भी अच्छी रहती है, उनकी डेवलपमेंट फैमिली स्टेटस पे होती है। वही डेवलपमेंट उनकी कैसे होती है, सामाजिक, सोशल। चाहते हैं ना कि जो अच्छा समाज में काम कर रहा है तो उसके बाद साथ बैठे उठे हमको अच्छा लगता है। जो समाज में अच्छा कुछ दे रहा है तो उसके साथ बैठना उठना हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नेशनल ग्रोथ भी रहता है। आप ऐसे मत समझो कि मैं अकेला हूं, मेरा परिवार है, मेरा सोसाइटी है, ऐसे नहीं है। आपका पूरा समाज, आपका नेशन है, और पावर्स ऑफ द नेशन इज योर पावर। क्योंकि यहां का जो डेवलपमेंट है वो आपका भी डेवलपमेंट होता है ना। जो अगर कंट्री अच्छे से डेवलप कर रही है तो वो आपको भी अच्छे से डेवलप करेगी। डॉक्टर लिम सियोजी ने, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, जो नेशनल डेवलपमेंट हमारी तो पहले पर्सनल डेवलपमेंट की, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, फैमिली डेवलपमेंट की, अच्छा अच्छा शरीर और अच्छा इनकम फैमिली के लिए दिया, सोशल डेवलपमेंट उन्होंने की ताकि हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार कर सके, और नेशनल डेवलपमेंट की डॉक्टर लिम सियोजी ने हमारे यहाँ फैक्ट्रीज लगाई है, डेवलपमेंट की है। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर लिम सियोजी। बहुत सारे एकड़ में बहुत सारे करोड़ डाल के उन्होंने हमारी नेशनल डेवलपमेंट की, अच्छा लगता है? हमारे डॉक्टर लिम सियोजी डेवलपमेंट के लिए, पूरा राष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। क्या हमारे डीएक्सएम के फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड है? किन लोगों को पता है कि डीएक्सएम हैज फैक्ट्रीज वर्ल्ड वाइड? कितने लोगों को पता है? एक हाथ 50%, दो हाथ 100%। मुझे 100% वाले अच्छे लगते हैं। आपको नहीं पता? जग भर में डीएक्सएम के फैक्ट्रीज है, ये आपको नहीं पता है? नया है तो इनके लिए तालियां होनी चाहिए। अभी पता चला कि राष्ट्र भर में भी डीएक्सएम के फैक्ट्रीज है, और जग भर में भी डीएक्सएम के फैक्ट्रीज है। ना चाइना छोड़ा, ना अमेरिका छोड़ा, ना भारत छोड़ा, ना दुबई छोड़ा। याद रखो, दुबई में किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का
फैक्ट्री और ऑफिस नहीं है लेकिन डीएक्सएम का है, तालियां ठोकनी चाहिए। कुछ है, अगर वो डेवलपमेंट चाहता है तो हम क्यों पीछे रहे? हमको भी डेवलपमेंट चाहिए। yes. तो जो डेवलपमेंट है, जो संघर्ष है, वो सब संघर्ष आपको डेवलपमेंट की तरफ, व्यक्तित्व है, परिवार है, सोशल है, नेशनल है और यूनिवर्सल है, सभी संघर्ष से आपको डेवलपमेंट, विकास चाहिए। पावरफुल पीपल, स्ट्रांग पीपल पे हम आते। हमने क्या कहा था कि पावरफुल प्लेसेस मेक्स द, हमारा टाइटल क्या है, पावरफुल प्लेसेस मेक्स द पावरफुल पीपल, मतलब मजबूत जगह मजबूत लोगों को बनाती है। ये मेरा आज का टाइटल था। आप क्या आप अग्री हो? अग्री हो? ये जगह डीएक्सएम बहुत मजबूत है, वो आपको मजबूत बनाएगी। बनाएगी, ठीक है। पावरफुल पीपल मेक्स पावरफुल प्लेसेस, और इसका उदाहरण क्या है? खड़े होकर तालियां बजाइए। पहला कौन पर्सनालिटी? इट इज नॉट द प्लेसेस क्रिएट्स द पावरफुल पर्सनालिटी, पावरफुल पीपल क्रिएट्स द पावरफुल प्लेसेस। डॉक्टर लिम सियोजिन पहले बने डीएक्सएम, बाद में आया। उनका विचार, उनका दृष्टिकोण, उनका फोकस, उनका डिटर्मिनेशन, उनका ऑनेस्टी की वजह से आज डीएक्सएम बना हुआ है। और यही पावरफुल चीज जो है, पावरफुल प्लेस है, वो पावरफुल पीपल बनाएगी, नेटवर्क बनाएगी। सहन करो या सामना करो? सहन करना चाहते हो? कितने लोग सामना करना चाहते हैं? 100%? यस। सामना करना चाहते हैं? क्योंकि सहन करने में जितनी ऊर्जा लगती है ना, उससे बहुत कम ऊर्जा सामना करने में लगती है। और जब हम सामना करते हैं तो वहां पे संगठन होके मजबूती अपने आप आ जाती है। वो हेल्थ होगा, शायद आपका वेल्थ होगा, आपका मान सम्मान जो भी होगा, वो आपको सामना करने से आएगा। इंजीनियरिंग में अगर एंट्री चाहिए तो एक तो सहन करके बीएससी कर दो, या तो इतनी पढ़ाई करो और इंजीनियरिंग में सीट ले लो। आपको सामना करना ही पड़ेगा। आपको लगता है नौकरी में जितनी मतलब दौड़ है उतनी दौड़ व्यापार में नहीं है क्या? हर जगह पे दौड़ है, हर जगह पे संघर्ष है, लेकिन जो सामना करेगा वो ही क्या पाएगा? समाधान पाएगा। लेकिन अगर सामना नहीं किया तो समाधान भी सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा। तो सहज करना है या तो सामना करना है। डीएक्सएम इज द ब्राइट प्लेटफॉर्म। नेशनल लेवल पे फैक्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, यूनिवर्सल लेवल पे फैक्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, और यही कंपनी जो है हम क्या चाहते हैं आज और कल को क्या करना चाहते हैं? आज और कल को बेटर करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है कि आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की है फिर भी आपको बेटर लाइफ देगा, माइटी लाइफ देगा, एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए मदद करेगा? आपको लगता है नौकरी के लिए शिक्षण लेना जरूरी पड़ता है और व्यापार के लिए पैसे को लगाना पड़ता है, आदमियों को काम पे जोड़ना पड़ता है, बहुत सारा आपको मार्केट का रिसर्च करना पड़ता है, लेकिन डीएक्सएम ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे एक ब्राइट प्लेटफॉर्म, जहां पे आपको मजबूत बनाने के लिए सब जुड़ा है, इन्वेस्टमेंट भी जुड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी जुड़ा हुआ है, और बहुत सारा एजुकेशन और प्रोडक्ट्स भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए डॉक्टर लिन सियोजिन ने 30 साल, कितने साल? 30 साल लगाए हुए। आसान है क्या ये? अगर आप करना चाहोगे तो और 30 साल लगाने पड़ेंगे।
लेकिन ये आसानी से हमको मिला है। इसका क्या करना है, हमको उपयोग करना है, वापर करना है। किसके लिए वापर करना है? खुद के और परिवार के लिए, समाज के लिए, पावरफुल बनने के लिए इसको वापरना है। कितने लोग रील देखते हैं? वो आता है ना चिंटू चिंटू, अरे फॉर्म मिल गया, इनको ऊपर ऊपर करने को मालूम है, पढ़ाई नहीं की, अभी तक स्कूल भी नहीं गए, लेकिन ये ऊपर डाला तो वो कुछ नाचने वाले आ जाते हैं, खिलाने वाले आ जाते हैं। रील लोग एक मिनट मजा लेते, एक मिनट तालियां खुश हो जाते, तालियां बजाते, हंसते, लेकिन इट्स नॉट द रियल लाइफ। ये सिर्फ कर्मनुक है, मनोरंजन है। जिंदगी में कर्मनुक दिन भर में ना 40 मिनट काफी है, लेकिन हम कितना दिन भर में 24 घंटे में से कितना चलते रहते हैं रील में पता नहीं। मजा तब है जब रियल लाइफ में आप खड़े हो और ताली बजे। और डॉक्टर लिन सियोजिन ने रियल लाइफ नहीं ली है, हमको कैसी लाइफ दी है? रियल लाइफ। ये प्लेटफॉर्म कैसा दिया है? रियल कंपनी, रियल प्रोडक्ट्स, रियल लीडर्स आपको दिए हुए। तालियां होनी चाहिए डॉक्टर लिन। कौन सा जीवन जीना चाहोगे, रियल का जो एक मिनट के लिए ताली बजाए, या रियल लाइफ कि मेरा परिवार, मेरा समाज मेरे लिए ताली बजाए और एक खुशी, एक सम्मान दे? वो रियल लाइफ हम सब जीना चाहते हैं। चाहते हैं? ये क्या आ गया? कुछ अलग आ गया। पावरफुल डेवलपमेंट के लिए एक प्लेस पावरफुल होना चाहिए, वो व्यक्तिमत्व पावरफुल होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी पावरफुल होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन मैटर्स अलॉट अलॉट। क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या छोड़ना है, किसके संगत में रहना है, कितना बढ़ना है, कितना आगे जाना है, बहुत मैटर करता है। और शायद आज का सेशन मैंने बहुत अलग से लिया है, ये रेगुलर सेशन नहीं लिया था, लेकिन यही मैं कहना चाहती हूं कि जो भी आपके 24 घंटे में आप करना चाहते हो खुद के साथ, वो आपके परिवार के लिए रहेगा। और जितना खुद को स्ट्रांग बनाओगे, जितना बलाढ्य खुद को बनाओगे, आपका परिवार उतना ही बलाढ्य बनता जाएगा। लेकिन अगर खुद को स्ट्रांग नहीं बनाए, खुद को पावरफुल नहीं बनाए, तो शायद आपका परिवार भी उतना पावरफुल नहीं बन पाएगा। इसके लिए खुद को पावरफुल करना बहुत जरूरी है। क्या कथा के साथ हम ये एंड कर सकते हैं? कितने लोगों को कथा सुनना चाहते हैं? सबके लोग नहीं बोले तो भी मैं आज कथा बोल के जाती हूं, क्योंकि ऑलरेडी आ गई है। एक गांव में धन्ना सेठ रहते थे, और उस धन्ना सेठ बहुत मालामाल थे, व्यापारी, साहूकार, पैसा तो ऐसे ही, महल है, बच्चे हैं, अच्छे कमाते हैं, खाते पीते, उठते बसते, एकदम खुशहाल जीवन। एक रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, तब उन्होंने पैरों की चनचनाहट देखी, घुंघरू की, तो उन्होंने देखा, अरे लक्ष्मी जी तो हाथ जोड़ के सामने खड़े हो गए, माँ आप? तो बोले, आज का रात आपके घर में आखिरी रात है, अगर लक्ष्मी आपको बोल जाए तो आज की रात आखिरी रात है, आपका जो पुण्य था वो काम आ गया। धन्ना शेख एकदम अचरज में आ गए, मां मैंने कितनी सेवा की है आपकी, और आपकी वजह से तो जग मैं अच्छा हूं और जग मुझे जानता है। पैसे का बिना कोई आपको पूछेगा? कोई है ऐसा कि पैसे के बिना पूछेगा आपको? परिवार वाला भी नहीं पूछेगा, याद रखना। सम्मान उसी को मिलता है जिसका जेब गरम है और मजबूत है। जो BMW से उतरेगा उसको ज्यादा सैल्यूट मिलेगा। तो पैसा नहीं है तो मां कैसे रहेंगे? मां बोली, इसीलिए तो आई हूं, तूने मेरी सेवा बहुत अच्छे से की है, इसलिए मैं तुझे बोलने आई हूं कि
अभी खुद को संभाल लेना, मैं निकल रही हूं। क्योंकि लक्ष्मी जी कैसी है, खड़ी है और वो चंचल है। कौन बोला चंचल है? आप बोले तालियां ठोको इनके लिए। इसका मतलब जो खीसे में उधर है वो किसी और के खीसे जा सकती है, मेरे भी आ सकती है, संभाल के रखना। लक्ष्मी जी खड़ी रहती है, वो चंचल है, लेकिन वहीं पे रहती है जहां उसको माना जाता है। और सरस्वती जी कैसी है, बैठी हुई है। एक बार आ जाती है, एजुकेशन आ गया दिमाग में, चला जाएगा क्या? आपने रसोई बनाना सीखा है, अच्छा डोसा बनाना सीखा है, भूल जाओगे क्या? नहीं भूल जाओगे। तो जो एजुकेशन है, रसोई बनाना भी एजुकेशन है। इट्स नॉट अ वेरी इजी थिंग, इट्स अ ग्रेट किचन जो ग्रेट पीपल बनाते हैं। तो जो एजुकेशन है, जो सरस्वती जी है, वो बैठे रहती है, एक बार आ जाए तो वो आपकी हो गई। लेकिन इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और जब वो धन्ना शेख को बोली कि आज की रात लास्ट आखिरी है, कल से तू तेरा देख ले, वो एकदम टेंशन में आ गए। माँ मैंने आपकी इतनी सेवा की, आपको बहुत इतना सब कुछ प्यार दुलार दिया है। माँ बोली इसीलिए तो मैं आई हूं ये तुझे कहने कि आज आखिरी रात है, एक वरदान मांग ले, क्योंकि उसके बिना मैं भी चली जाऊं मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो बोला कि नेवर टेक अ डिसीजन वेरी क्विकली, थोड़ा विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। और ये कर्ता जो घर का मुख्य पुरुष रहता है ना, वो कभी भी अपने परिवार से पूछे बिना कभी डिसीजन नहीं लेता। अगर डिसीजन लेना है ना, तो वो अपने परिवार से पूछ के ही करता, जो अच्छा करता रहता है ना, वो डिसीजन लेता है। उन्होंने कहा मां मेरी चार बहुएं हैं, उनसे मैं पूछ लूंगा और आपको कल बोल दूंगा। मां बोली ठीक है। कल जब सुबह उठे, वो तो सो ही नहीं पाए थे, क्योंकि अगर पैसा चला जाए, आपका इनकम चला जाए और आपकी शान रौनक चली जाए, तो कोई रात को सो नहीं पाएगा। सुबह जब चार बहुओं ने उनको देखा तो बोले पापा क्या हो गया आपके साथ, आपको क्या हो गया, आप रात तक सोए नहीं हो। बहू जी आपका चेहरा पूरा उतरा हुआ दिखा रहा है, क्या हुआ? तब धन्ना शेख ने अपनी बड़ी बहू से पूछा, कहा उन बहुओं को कहा कि कल लक्ष्मी जी बोली आज की रात आखिरी रात है, अपना अपना देखने को शुरू कर दो, आपको तैयार रहना रहेगा। तो उन्होंने कहा कि एक वरदान मांगना है तो मैं क्या मांगू? बड़ी बहू ने कहा बहुत सारा सोना मांग लीजिए, तुरंत कह दिया, ताकि वो सोने का हम क्या करेंगे, वापर करके फिर से अमीर बन जाएंगे। बोले ठीक है। वो दूसरी बहू के पास चले गए और दूसरी बहू से कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो हमको लक्ष्मी जी का वरदान के लिए क्या मांगना चाहिए। वो किसान की बेटी थी, तो उसने कहा हमारे पास बहुत सारे क्या है, अन्न के भंडार है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, अन्न जमा करेंगे, आप लक्ष्मी जी से बहुत सारा अन्न मांग लीजिए, ताकि हमारा जीवन सुकून से, खाना है तो सुकून से जाएगा। तो बोले ठीक है। तीसरी बहू बोली बहू जी अन्न में तो कीड़े बैठ सकते हैं, सोने का तो पता नहीं, आज 30,000 है कल 70,000, मालूम है ना सोना कैसे रहता है, अपना खेल खेलता रहता है, तो अन्न में तो कीड़े पड़ जाएंगे, तो उससे अच्छा आप महल मांग दीजिए और सोने खाने पीने से वो महल भरा हुआ मिल जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां कैसे आराम से जिए। चाहते हैं ना हम लोग, हमारा खानदान, हम और हमारा पूरा खानदान आराम से जिए, सोना खाना पीना सब कुछ आ जाए। बोले ठीक है। फिर छोटी वाली बहू तो आराम से बैठी थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो धन्ना शेख छोटी वाली बहू के पास चले गए और उनको पूछने लगे कि बेटी आप क्या चाहते हो। तो बोली मैं तो छोटी हूं। तो बोली नहीं। धन्ना शेख बोले आप गुरुकुल से पढ़ाई करके आए हो, आप तो गजब की हो, आपका विचार भी आप पहन बोल दो,
आप क्या चाहते हो? तो छोटी वाली बहू बोली, जब वरदान मांग रहे हो लक्ष्मी जी से तो उनको बोल दीजिएगा कि हम आपको नहीं चाहो नहीं कह सकते, क्योंकि लक्ष्मी अपने से आती है और अपने से जाती है, तो ना जाओ बैठो हम नहीं कह पाएंगे। लेकिन लक्ष्मी जी से वरदान में एक मांग लीजिए, कितना भी निर्धन हो, कितना भी पैसा चला जाए, कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफें आए, लेकिन मेरी चार बहुएं एक दूसरे को सम्मान देती रहे, एक दूसरे को मदद करती रहे और एक दूसरे में उनका प्यार बना रहे। जब ये छोटी बहू ने कहा तब धन्ना से का दिमाग खुल गया। सब परिवार उस वक्त शाम को सो गए और जब लक्ष्मी जी घर से निकलने को आई, गुड बाय टाटा करने को आई, तब धन्ना सेठ को मिल गई। वो जब आमने सामने आए तब लक्ष्मी माता ने पूछा, बेटा आपको क्या चाहिए? आपका एक वरदान चाहिए कि मैं निकल जाऊं? जैसे ही मां ने कहा कि मैं निकल रही हूं, आपका वरदान पूछ लीजिए, तब धन्ना सेठ ने क्या बोला होगा? क्या लास्ट वाला था? मान सम्मान, सम्मान के साथ एकजुट रहना। ओके, ग्रेट ग्रेट। जैसे ही माता जी ने कहा कि मैं निकल रही हूं, तब धन्ना सेठ ने कहा मैं एक वरदान मांगना चाहता हूं और वो वरदान ये है कि कितना भी बुरा वक्त आ जाए लेकिन मेरी चार बहुएं एक दूसरे का आधार बनी रहे, उनमें एक प्यार जता रहे और एक दूसरे के विश्वास से वो आगे बढ़ती रहे। जैसे ही माता ने ये सुन लिया तो अभी वो गड़बड़ी में आ गए, बोले जहां प्रेम है वहां नारायण है और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी जी को रहना ही रहना है। क्या निकल जाएगी वो घर से, उस महल से? वो लक्ष्मी वहीं पे रुक गई। प्रेम है, वो आदर सत्कार है, सम्मान है, वो एक साथ में एक संगठन में रहना है, एक दूसरे के लिए प्यार है, सम्मान है, तो लक्ष्मी जी भी वहां से नहीं निकल पाई, वहीं पे रह गई। तब उस धन्ना सेठ ने लक्ष्मी जी से पूछा, आप कहाँ कहाँ वास करती हो, निवास करती हो? तो बोले जहां नारायण का निवास है वहां लक्ष्मी का निवास है, और नारायण वहां पे रहते हैं जहां गुरु जी की सेवा होती है, मान सम्मान होता है, जहां आपस में संगठन प्यार एक भाव होता है, विश्वास होता है, मेहनत होती है, और जहां वाणी में सभ्यता होती है वहां मैं निवास करती हूं। इस बार लक्ष्मी जी ने उस महल में रहने का तय कर लिया। क्या ये डीएक्सएन परिवार है? Yes. ये प्रेम भरा परिवार है। Yes. अलग अलग लोग एक दूसरे के लिए प्रेम करते हैं, मान सम्मान देते हैं, सत्कार करते हैं, संगठन से रह रहे, अच्छा पढ़ाई, अच्छा विचार, अच्छा आचार, एक साथ जुड़े हुए हैं। Yes. यहाँ लक्ष्मी वास करेगी। Yes. नारायण वास करेगा। Yes. यहाँ पे उन्नति होगी, डेवलपमेंट होगी। Yes. और एक साथ संघर्ष के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं। Yes. डायरेक्शन में बढ़ना चाहते हो? Yes. खुद के लिए, परिवार के लिए? Yes. तालियां होनी चाहिए। Yes.